हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। एंड बहुत दिनों बाद एक नया ब्लॉग आ रहा है हमारा, जो कि आज शूट हो रहा है, अभी मतलब हो ही रहा है। इस ब्लॉग में मैंने मतलब एक रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है। कैसा उसका प्लेस है, क्या है, किधर है, क्या सिचुएशन है हमारी, मेरी और दिनेश भाई की, हम दोनों साथ में मतलब ज्वाइन किए। जैसा साथ में बाहर में वर्कआउट किए, तो अभी भाई जिम में भी साथ में ही करेंगे। एंड क्या है क्या नहीं है, ये ब्लॉग में पूरा पता चलेगा। एंड आप एंड तक जुड़े रहना, अगर आप जुड़ोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। दिनेश भाई भी आ चुके हैं। एंड जिम वाले का भाई शुक्रिया, जिम वाले कोच हमारे जो ट्रेनर है, उन्होंने चाबी भी दी हुई है। आज संडे है तो इसी के लिए वीडियो शूट कर रहे, क्योंकि जिम खाली होगा। और दिनेश भाई भी शायद बाहर आ ही चुके हैं, दिखाता हूँ आपको। वो देखो भाई, फ़ोन बोलते ना भाई, फ़ोन कितना यूज़ कर रहे हमारी दादी। तो ये रहे दिनेश भाई, जो कि अभी बतिया रहे हैं अपनी औरत से, मतलब किसी दोस्त से। एंड ये रहा हमारा स्टैंड और जिम का चाबी। थैंक गॉड कि ट्रेनर सर ने हमारे जो भी है हमारे को चाबी दे चुके हैं जिम का। एंड वी कैन मूव, जा रहे जिम। एंड ये अम्बुजवाड़ी का व्यू रहा, और ये रहे दिनेश भाई। मैं पकड़ भी नहीं सकता, देख रहे हो स्टैंड हाथ में। चलते एंड दिखाता हूँ आपको। बताओ दिनेश भाई, एक दिन यहाँ से हम लोग जा रहे थे, तो मतलब रात में क्या हुआ था? हाँ, ये गलती से हम लोग जा रहे थे, तो मतलब एक दिन ना हम लोग डर गए थे। हाँ बराबर, सही बोल रहे हैं। सुबह 5 बजे निकले थे। एंड एक रास्ता ऐसा जाता है और आगे का रास्ता और एक ऐसा जाता है। ना गलती से दूसरे रास्ते पे चले गए और ना एक मूर्ति देख ली। तो क्या हुआ था दिनेश भाई? अरे बहुत डर गए थे यार, बहुत डर गए थे। तो दिखाता हूँ आज वो मूर्ति देखते, क्योंकि अभी तो शाम ही है। ये था वो जगह जो गलती से चले गए थे, राइट। चलो दिखाता हूँ। ये था वो जगह, मतलब देख रहे हो, किसी खेती से कम नहीं लग रही है और किसी गांव से भी कम नहीं लग रहा है, विलेज का व्यू। और देखो भगवान जी बाजू में, और यहाँ पे ना और एक मूर्ति थी, मतलब किसी मतलब कपड़े से थी, उससे देख के डरे थे बराबर, और यहाँ से भागे थे। और उसमें दिनेश भाई का ही हाथ था, वो बोल रहे थे नहीं आगे वाले रास्ते में, बराबर ना। कोई नहीं कोई नहीं, हमसे गलती हुई थी गाइस। देख लो कैसा है व्यू, और जहाँ पे हमारी फटी थी, यही है जगह। तो यहाँ से तो हो चुके हैं, एंड अब जाते जिम, और आपको दिखा रहा हूँ भाई यही इलाके में हमारा जिम। एंड उसके थोड़े से आगे ये है दूसरी गली, जहाँ से हमारी आती है चंपक चली, मतलब हमारा जिम। देखो मैं कितना महान हूँ, हाथ में स्टैंड लेके भी मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब कि कितना अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स रहूंगा ना मैं। और यहाँ से भी देखो, वो थी वो गली ना जहाँ गए थे, सामने से तो आ ही सकते थे ना भाई, यहाँ से भी आ ही सकते थे। चलो कोई नहीं। ये है वो जिम, देख रहे हो साहिल खान बाहर खड़े हमारे लिए। एंड यहाँ है इसकी चाबी। ट्रेनर भाई का शुक्रिया जिसने हमें, ट्रेनर जी ने चाबी प्रोवाइड करा दी है। खोलिए यार, खोलोगे तभी तो अंदर पब्लिक देखे। ये है अंदर का व्यू जो आप देख रहे हो। लाइट्स का मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है इधर। एंड ये रहा अंदर का मतलब सिचुएशन। पहली मशीन है जिसको लेग पुल डाउन के नाम से जाना जाता है। एंड ये देख सकते हो इसके मतलब अंदर जो भी है, अभी पहला दूसरा दिन है भाई, इतना नाम तो वगैरह पता नहीं मुझे। ट्राइसेप बैक वैक सब इसके अंदर लग जाएगा, पुल अप सब लग जाएगा। और ये हूँ मैं जिम करूँगा एंड बॉडी बनाऊँगा। और ये है हमारे चेस्ट के लिए, जो कि लाइन मतलब बराबर लाता है। मैंने इसको ऐसा किया था, इसको पहला बराबर कर दूँ, इसको तीसरे पे डाल दूँ, दूसरे पे एक लगा, छोड़ो जाने दो अभी तो मारना नहीं। और ये है चेस्ट मशीन, और बहुत जल्दी ये पट्टी भी चेंज होने वाली है। हमारे सर जी ने बोला है, और ये चेस्ट को जो मारते हैं उसके लिए बेंच है, एक लेग के लिए मशीन है, और ये बाइसेप की मशीन है, ये इसका नाम भी मुझे नहीं पता अच्छे से। एंड ये देख रहे हो, ये यहाँ से इसको ऐसा उठाया जाता है, ये ऐसे उठाया जाता है भाई। और ये है डंबल्स, मतलब बेसिक जो भी चीज़ है वो इसके अंदर बेसिक सारी चीज़ें हैं। और ये थोड़े से ये है, लेकिन क्या और ये जिम के हम लोग ये प्राइस देख के हम मतलब बहुत खुश हो गए। हाँ, क्योंकि मैं आपको प्राइस दिखाऊं यहाँ का कितना है। देखो प्राइस कितना है, प्राइस देख रहे हो कितना है। अब इस बजट के हिसाब से अगर हमें सही लगा भाई, क्योंकि बजट तो उतना है भी नहीं, एंड जो भी बजट है, अपना बेसिक तो टाइट करने हो जाएगा। सही बोल रहे कि नहीं दिनेश भाई? सही बात है। बेसिक टाइट हमारे यहाँ हो सकता है। एंड मैं सोचता हूँ कि सबसे पहला 2-3 महीना इधर रगड़ने का, रगड़ के बेसिक टाइट करने, जो भी अपना बेसिक टाइट करने के लिए अच्छा है, क्योंकि बेसिक चीज़ें अगर हमें नॉलेज रहेगी तभी तो हम लोग कर पाएंगे। एंड उतना भी एडवांस लेवल पे नहीं है जिम,
जो भी है इधर पे बेसिक सारे सामान आपको अवेलेबल है। एंड इस जिम में हम लोग समझो एक दो महीना इधर रगड़ने वाले, दो तीन चार महीना तो इधर ही रहेंगे और तीन चार महीना यहीं की वीडियो आने वाली है, क्योंकि मेरे बजट के हिसाब से तो सही है, क्योंकि अभी भाई इतना पैसा मिल नहीं सकता अभी। एंड यहाँ पे 300 रुपये, सो दिन का 10 रुपये बचा के हम लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो यार, इतनी मतलब मेहनत कर रहे हैं बस सक्सेस के लिए। सक्सेस का भाई नशा हो चुका है, सच बात बोल रहा हूँ, नशा तो हो ही चुका है एंड वी कैन अचीव इट। सो ये है वो जिम, और जहाँ की मैं आपकी बात कर रहा था, रिसेंटली मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ हूँ और आज मेरा चौथा या पांचवा दिन होगा यहाँ पर, एंड बीच में संडे पड़ चुका है। सो इसके लिए अगर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अपना बेसिक टाइट हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे वैसे बंदे लोग कम आते हैं एंड ट्रेनर सर का भी हमारे पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा एंड अपन थोड़ा सही से सीख पाएंगे। कि अगर आपने सब देख लिया होगा कैसा ये है, कैसा जिम है, क्या है, आप अगर यहाँ तक देख चुके हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मारो, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलेगी, उससे और वीडियोज़ वगैरह बनेंगे एंड ग्रो करेगा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, बस जुड़े रहना हमारे साथ एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।